पांच ऐसी किताबें जिसको भारत सरकार आपको पढ़ने नहीं देंगी। इस लिस्ट में पहली बुक है 9 आवर्स टू राम। इस बुक को लिखा है स्टैनली वोल्बर्ट ने। इस बुक का पब्लिकेशन रैंडम हाउस 1962 में हुआ। इस बुक में महात्मा गांधी जी की हत्या के बारे में लिखा गया है। इस बुक में गांधी जी की हत्या के दिन सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। दूसरी बुक है द फेस ऑफ मदर ऑफ इंडिया। इस बुक को कैथरीन मेयो ने लिखा है। इस बुक में भारत में इसलिए बैन किया गया क्योंकि इस बुक में भारत को शासन करने के लिए अयोग्य दर्शाया गया है। तीसरी बुक है अनाम विक्ट्री। इस बुक को ब्रेंडन रसल ने लिखा है। इस बुक को साइमन एंडरसन 1963 में पब्लिकेशन किया गया। इस बुक में भारत और चीन के युद्ध के बारे में लिखा गया है। इसमें भारत की आलोचना की गई है, इसलिए इस बुक को भी भारत में बैन कर दिया गया। इस लिस्ट की चौथी बुक है कैप्टिव कश्मीर। इस बुक के राइटर हैं अजीज बेग। इस बुक को अलाइड बिजनेस कॉरपोरेशन 1957 में पब्लिश किया गया। यह बुक कश्मीर पर लिखी गई है। इसमें कश्मीर के प्रति भारत के नज़रियों की आलोचना की